फाइनली एंड पॉइंट तक मैं पहुंच गया हूं। बिल्कुल माउंटेन के हिल टॉप पे ये लोकेशन है, लॉर्ड शिवाजी की मूर्ति। और आपको आज यहाँ लेके आया हूँ, काफ़ी बड़ा यहाँ पे कलश बनाया हुआ है। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पोखरा में हूँ, इंडिया टू नेपाल बाइक राइड पर। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपनी अगली वीडियो में स्टैचू ऑफ दिस लॉर्ड ऑफ शिवा। पोखरा में काफ़ी खूबसूरत और बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है शिव भगवान की। आने वाले टाइम पे ये बहुत अच्छा दार्शनिक स्थान बनने वाला है। आज मैं वहीं पर जा रहा हूँ जहाँ पे शिव जी की मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है। पोखरा चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऐसे ही एक पहाड़ी के हिल टॉप पर है ये लॉर्ड शिवा की मूर्ति। लगभग 108 फीट की ये मूर्ति बनाई जा रही है और जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, इसलिए मैं आज आपको लॉर्ड शिवाजी की मूर्ति के पास लेके आया हूँ। जैसे ही मैंने मंदिर में एंटर किया, वहाँ पे शिव भगवान के सामने नंदी बैल स्थापित किया गया है और नंदी बैल की हाइट भी बहुत बढ़िया दोस्तों। गोल्ड कलर का नंदी बैल शिव मूर्ति के बिल्कुल सामने स्थापित है और शिव जी को देख रहा है। यहाँ पर एक मैंने अद्भुत चीज देखी कि भगवान जी की जो मूर्ति बनाई गई है, इतनी खूबसूरत मूर्ति है, शिवलिंग स्थापित किया गया है और भगवान जी के चारों तरफ मंदिर में जब हम परिक्रमा करते हैं, चारों तरफ शिवलिंग्स लगाए गए हैं। लगभग 108 शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। भगवान जी के पीछे बहुत बड़ा डमरू बनाया गया है और चारों तरफ शिवलिंग। जब मैंने परिक्रमा की और आसपास की जो भी व्यूज हैं, आसपास के जो व्यू हैं, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं क्योंकि यह मंदिर हिल की बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है। जब मैंने यहाँ के पुजारी जी से बात की तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ का जो मंदिर है कई सालों पुराना है। यहाँ पे कांसे और तांबे का शिवलिंग स्थापित किया गया है जिस पर साथ में सोने का वर्क हुआ हुआ है। शिवलिंग के चारों तरफ लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, देवी देवताओं का मूर्ति को स्थापित किया है और यहाँ मैंने प्राचीन काल के पुराने तांबे और कांसे के सिक्कों को देखा जो पूरे नेपाल में कहीं नहीं है। वो मंदिर में भगवान जी के सामने उनके कलश में है। ये देखिए आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं मंदिर के चारों तरफ ऊपर नीचे शिवलिंग जो लगे हुए हैं। और यहाँ पे घूमने जो भी लोग आते हैं इन शिव मूर्ति को देखने, शिव जी के दर्शन करने यहाँ पे जरूर आते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ का टेंपल और यज्ञशाला। ये जो हवन कुंड है, यहाँ पे भगवान जी का हवन किया जाता है और अभी भी हवन की तैयारी चल रही है। ना प्राचीन मंदिर है ये, भूमेश्वर महादेव का मंदिर है। भूमेश्वर महादेव का, अच्छा कितना पुराना मंदिर होगा ये? ये बहुत पुराना है, 22 से 24 राजा ने राज करते थे। अच्छा, कसके लिए राजा ने यहाँ उनको स्थापना किया है। अच्छा ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। यहाँ पर उसी नाम से भूमि का मंदिर उनने स्थापना किया था तो यहाँ महादेव का विशाल प्रतिमा हो गया, अब इसलिए भूमेश्वर महादेव नाम धर के
भूमि और महादेव दुबे दोनों का समेटी ना मुझे महादेव। ठीक ठीक है बोलिए। राम राम। दृश्य देखने में बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत लग रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूं मंदिर की तरफ। चलिए अब हम मंदिर में भगवान जी के दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा को यहाँ पे पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेपाल में मेरे साथी बनिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी, हर एक नोटिफिकेशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई लोकेशन है जो आप चाहते हैं कि मैं जाके उसको एक्सप्लोर करूं और वहाँ के बारे में आपको बताऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर जाके उसके बारे में बताना और सबके सामने वहाँ की वीडियो को दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज मेरा फिफ्थ डे है नेपाल में। अभी मैं पोखरा में ही हूँ। तो अभी मैं आज पांचवें दिन आपको लेके आया हूँ शिवजी की बड़ी प्रतिमा जो यहाँ पर स्थापित की गई है वहाँ पे। अब यहाँ से आगे मैं डोम की तरफ जाऊँगा और कल मेरी जो जर्नी होगी काठमांडू की होगी। जुड़े रहिए मेरे साथ ब्रेक टाइम राइडर में। मिलते हैं अगली वीडियो में ब्रेक के बाद।